गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड, इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक वर्क ऑफ जॉन टिंडल। जॉन टिंडल जो एक साइंटिस्ट हैं, उनका माइक्रोबायोलॉजी में क्या योगदान है, आज अपन ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन ब्रीफ में, पर्सनल लाइफ ऑफ जॉन टिंडल, कि जॉन टिंडल जो साइंटिस्ट हैं वो 2 अगस्त 1820 को पैदा हुए और 4 दिसंबर 1893 को उनका निधन हो गया। ये जो 19वीं शताब्दी है उसके आयरिश फिजिसिस्ट थे, आयरलैंड के फिजिस्ट थे। और ये जो जॉन टिंडल हैं ये पैदा हुए थे एक आयरलैंड के काउंटी कॉलो जगह के टाउन लेलिन ब्रिज में, और एक पुअर फैमिली में, ये प्रोटेस्टेंट आयरिश पुअर फैमिली में ये पैदा हुए थे, जिसमें इनके फादर पुलिसमैन थे और इनकी मदर को जायदाद से निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने इनके फादर से शादी की थी। और टिंडल जो हैं वो एक रेयर साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका जो इन्होंने जो काम किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, उम्मीद भी नहीं कर सकता, उम्मीद से परे इन्होंने काम किया। क्योंकि इनके जो काम की नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इन्होंने स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव विज्ञान में काम किया या इन्होंने फिजिक्स में काम किया, इन्होंने हर फील्ड में काम किया, जो साइंस की विज्ञान की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज में वैरायटी ऑफ वर्क इन्होंने किया। तो जो टॉपिक अगर इनके देखें, चाहे एनेस्थीसिया हो, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, स्टरलाइजेशन ऑफ फूड हो, या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग हो, कि ये माउंटेन क्लाइंबर थे, माउंटेन विसहोन पे ये सबसे पहले चढ़ने वाले जो क्लाइंबर थे, माउंटेन क्लाइंबर वो ये जॉन टिंडल थे। और चाहे अपन बात करें प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स की, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चाहे मैग्नेटिज्म की अपन बात करें तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इन्होंने वैरायटी ऑफ वर्क इन्होंने किया, अलग अलग फील्ड में इन्होंने किया, अलग अलग विज्ञान में इन्होंने किया। तो ये बहुत जो इनका जो व्यक्तित्व था ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और इन्होंने कोई बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी। और 19वीं सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, मेनली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में इन्होंने काम किया। इनकी जो एजुकेशन है वो आयरलैंड इंग्लैंड में ही हुई। इन्होंने पीएचडी भी कर ली, और पीएचडी इन्होंने अपनी सेविंग्स से की क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। और बहुत दिन तक ये अनएम्प्लॉयड भी रहे, बेरोज़गार भी रहे। और शुरू में इन्होंने जो सबसे पहले इन्हें जो प्रसिद्धि मिली वो मिली 1850 में, जो डाई मैग्नेटिज्म का अध्ययन इन्होंने किया उसकी वजह से इन्हें लोग पहचानने लगे थे। और इनकी जो बाकी डिस्कवरीज हैं, जैसे कि इन्होंने रिलम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, प्रूविंग कनेक्शन बिटवीन एटमोस्फेरिक CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे अपन कहते हैं 1859 में, ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और 1853 में ये एक प्रोफेसर के रूप में, नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में अपॉइंटेड हुए, पहली बार इनकी नियुक्ति हुई। और वहाँ इन्होंने हीट और लाइट पर जो अलग अलग गैसेस हैं उनका, हीट और लाइट का जो इफ़ेक्ट था उस पर इन्होंने बहुत काम किया। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन पर इन्होंने बहुत काम किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्होंने खोजा। इस तरह से इन्होंने बहुत अलग अलग काम किए। और ये सबसे अलग जो इनका काम था वो था माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबर ये थे। और इसके अलावा इन्होंने जो काम किया वो, ये कंट्रोवर्सीज़ में बहुत रहते थे कि क्योंकि जो चीज़ इन्हें नहीं जिसती थी वो उसके लिए ये बहस कर लेते थे, चाहे वो कहीं भी हो वहीं ये बहस कर लेते थे, जो नेता लोग होते थे उनसे ये बहस कर लेते थे। और माउंटेन क्लाइंबर की अपन बात कर चुके हैं कि विसहोन को फर्स्टली, जो माउंटेन क्लाइंबर ने जिन्होंने चढ़ाई की थी विसहोन को,
की चढ़ाई कंप्लीट की थी, पर्वतारोहण किया था, वो यही थे, जॉन टिंडल थे। और 56 ईयर्स की एज पे इन्होंने शादी की थी, और इनकी डेथ जो है वो हेसलमेर जगह पे आयरलैंड में December 4, 1893 में इनकी डेथ हो गई। और वो भी ये सीरियसली बीमार हो गए थे, 1886 से ही ये बीमार रहने लगे थे। तब ये रॉयल इंस्टीट्यूशन से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और उसके बाद ये हेल्समेर में रहने लग गए थे। और फाइनली इनकी जो डेथ हुई वो इनको इंसोमनिया और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी 1893 में, और एक्सीडेंटल ओवरडोज इनको दे दी गई क्लोरल की, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। और एक्सीडेंटली जो ओवरडोज दी गई वो इनकी वाइफ के द्वारा ही दे दी गई, गलती से दे दी गई, जिससे इनकी 1893 में डेथ हो गई। अब अपन बात करेंगे इनकी इम्पोर्टेंट वर्क इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में इनका क्या योगदान है, इस पर अपन आज बात करेंगे। सब लोग जानते हैं इनको हीट और लाइट और साउंड, इन पे जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए, इसके लिए जॉन टिंडल जाने जाते हैं। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी इन्होंने काम किया, एयरबोन डिजीज पे भी इन्होंने काम किया हुआ है, और इसके बारे में आज अपन जानेंगे। इनका सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजी में जो योगदान है वो है डिसप्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड प्रूविंग द जर्म थ्योरी विद लुईस पैस्टर। जो इनका मेन काम है ये है, डिसप्रूव किया इन्होंने थ्योरी, जो स्वतः जनन सिद्धांत था जिसको लुईस पास्टर एक्सपेरिमेंटली, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा डिसप्रूव किया था, और जर्म थ्योरी जो लुईस पास्टर ने दी थी, तब जाके स्वतः जनन सिद्धांत जो था माइक्रोब्स का उसको नकारा गया था। इसमें इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और लुईस पास्टर रॉबर्ट कोच के साथ इन्होंने काम करके इस चीज़ को प्रूव किया कि ये जो स्वतः जनन सिद्धांत है ये गलत है। इसके लिए इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण किया एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसे टिंडल बॉक्स कहते हैं। और टिंडल बॉक्स एक ऐसा एयर टाइट बॉक्स था जिसके अंदर किसी तरह की कोई एयर भी नहीं होती है, एकदम खाली बॉक्स होता है, जिसमें जो भी चीज़ यदि रख दी जाए तो फिर उसके अंदर एयर नहीं होने के कारण, माइक्रोब्स की एंट्री नहीं होने के कारण, जो चीज़ जैसी जैसे रूप में रखी जाती है वैसे की वैसे ही रहती है। वो इन्होंने खुद बनाया था, इसलिए इसको जो ये जो बॉक्स का निर्माण किया था इसको टिंडल बॉक्स कहते हैं। उन्होंने वो एक बॉक्स बनाया और उसकी जो ग्लास का बॉक्स बनाया और उसकी जो चारों तरफ की फ्लोर और उसकी दीवारें थी वो सब ग्लिसरीन से कोट कर दी, और फिर उसके अंदर इन्होंने कोई भी जो कि एयर फ्री बॉक्स था, जिसके अंदर इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट थे, जो इन्होंने मेनली जो एक्सपेरिमेंट किया वो पोस्चर और लिस्टर, इन दोनों के साथ साथ इन्होंने किया कि एयर को, इन्होंने ये चीज़ प्रूव की 1860s में इन्होंने ये लाइट की स्टडी करनी शुरू की, और तब से ये एयर को डस्ट फ्री बनाना चाहते थे। और एयर को डस्ट फ्री बनाने के चक्कर में ही, क्योंकि एयर में कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, ऐसे कुछ माइक्रोब्स के पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यदि एयर को अपन कहीं भी किसी भी फूड में या दूसरे किसी मीडियम में एंटर करा देते हैं, थोड़े टाइम बाद उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। लेकिन यदि उसको टिंडल बॉक्स में रख दिया जाता है, किसी भी मटेरियल को, उसको एयर फ्री है, उस एयर के अंदर किसी भी तरह के कोई पार्टिकल नहीं है, लिविंग पार्टिकल नहीं है, तो फिर उसमें किसी भी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जब ये काम कर रहे थे तो कुछ साइंटिस्ट थे जो कि सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के, वो इनको इनकी हंसी उड़ाते थे कि वो ये कहते थे, एक कहावत प्रचलित है, डोंट टॉक अबाउट पोएट्री इफ़ यू आर ए हिस्टोरियन, यदि आप एक हिस्टोरियन हो तो आप कविता की बात मत करिए। तो ये क्योंकि आप एक फिजिक्स के ज्ञाता हैं, तो आप ये जो विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जो सूक्ष्म जैविकी है, इसमें आप अपनी टांग मत अड़ाइए, इसका बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, ये बात इनको इनकी हंसी उड़ाने के लिए कही जाती थी। लेकिन इन्होंने जर्म्स की स्टडी की, और इन्होंने ये जो अपना एक क्लेवर बॉक्स बनाया, इससे इन्होंने प्रूव किया
क्योंकि इस बॉक्स, ये कांच की दीवारों से बना था, और इसको इन्होंने प्रूव ऐसे किया कि यदि ये पार्टिकल फ्री एयर इसके अंदर है, यदि कोई माइक्रोब्स नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो जब अपन इस पे इनविजिबल जो लाइट डालेंगे, लाइट को डाला जाएगा, तो वो एकदम क्लियरली पास हो जाएगी, क्लीन पास हो जाएगी, उसमें किसी तरह का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है, लाइट जो छितराती है, जैसे कि ये लाइट आ रही है इधर से और ये एकदम सीधी चली जाती है यदि रास्ते में कुछ नहीं आता, लेकिन रास्ते में यदि पार्टिकल्स आ जाते हैं तो ये जो रेज हैं ये स्कैटर हो जाती हैं, ये बिखर जाती हैं इस तरह से। और ये जो इफ़ेक्ट था, ये इसकी भी खोज इन्होंने ही की थी, जॉन टिंडल ने ही की थी, लाइट की स्कैटरिंग होने वाली। और इन्होंने क्या देखा कि जम्स को देखा कि लाइट जो एयर होती है उसके अंदर जम्स होते हैं, उसकी वजह से यदि अपन कहीं भी किसी भी, जैसे कि यूरिन है, यूरिन को अगर अपन ने खुले में रख दिया, इन्होंने जो प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने प्रूव किया, तो अपने टिंडल बॉक्स में इन्होंने यूरिन को रखा। जब टिंडल बॉक्स में यूरिन बहुत लंबे टाइम रखा रहा तो भी वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में रखा रहा, उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई, और उसी यूरिन को जब खुले में छोड़ दिया, उसको ढका हुआ नहीं रखा, उस बॉक्स के अंदर नहीं था, खुले में था, तो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। इसी तरह से उन्होंने मीट का शोरबा लिया, मीट लिया, बहुत सारी चीज़ें, शुगर का सॉल्यूशन लिया, उसको टिंडल बॉक्स में जब इन्होंने रखा तो उसमें किसी तरह का कोई भी जो माइक्रोब्स थे उनकी ग्रोथ नहीं हुई और खुले में ग्रोथ होगी। तो इन्होंने इस चीज़ से ये प्रूव किया कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो हवा के अंदर होते हैं, और हवा के अंदर होने के कारण वो ग्रो, उनकी ग्रोथ हो जाती है। यदि हवा उन पार्टिकल्स फ्री होती है, पार्टिकल्स नहीं होते किसी तरह के, कोई भी पार्टिकल नहीं होते, प्योर एयर यदि होती है, तो उसको चाहे आप शोरबे, मीट का जो शोरबा है उसमें रख दो, चाहे यूरिन में रख दो, कहीं भी, तो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन इसमें इन्होंने देखा कि वो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इनसे जो छुटकारा पाया जा सकता है वो, यदि कोई लिक्विड है तो उसको यदि अपन बॉईल कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, तो उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए जिम्मेदार होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो गर्म करने से भी नष्ट नहीं होते हैं। इन्होंने जो मेन खोज की इस मामले में वो एंडोस्पोर्स की खोज की, कि जो पार्टिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो गर्म करने से भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो उनके सूक्ष्म पार्टिकल एंडोस्पोर्स होते हैं, जो कि उन नया जीवन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब उनको गर्म कर लेते हैं तो उनकी जो ये जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए फ्री हो जाते हैं, इनकी जो बाहरी झिल्ली है वो टूट जाती है, और उसके बाद ये नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, नए बैक्टीरिया को जन्म दे देते हैं। और एंडोस्पोर्स की खोज करने के बाद इन्होंने एक प्रोसेस की खोज की थी, टिंडलाइजेशन। और ये जो जर्म थ्योरी है जो पाश्चर ने दी थी, इसके लिए भी इन्होंने एक अपने एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया और एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया कि जर्म थ्योरी को इस्टेब्लिश करने में। अब अपन देखते हैं इसका जो माइक्रोबायोलॉजी में सेकंड इन्होंने जो रोल, अपनी भूमिका निभाई, वो है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन जैसे कि अपन ने अभी बात करी, ये एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर इस मेथड में जॉन टिंडल ने ये किया कि जो कोई भी चीज़ अगर अपन उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना चाहते हैं, सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना चाहते हैं, तो अपन को उसको गर्म करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जिसके इन्होंने एंडोस्पोर्स की खोज की, वो एक बार गर्म करने से, एक बार बहुत तेज़ गर्म करने से भी वो ख़त्म नहीं होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक प्रक्रिया बताई गर्म करने की, स्टरलाइजेशन करने की, इनको जर्म मुक्त करने की, किसी भी लिक्विड को एक प्रक्रिया बताई जिसको टिंडलाइजेशन कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूएशन हीटिंग है, जिसमें एक बार किसी चीज़ को गर्म किया, कुछ टाइम के लिए उसको रख दिया, ठंडा हो गया, और छोड़ने के बाद एक इंटरवल के बाद उसको फिर से उसको गर्म किया, दोबारा उसको गर्म किया, फिर उसको एक अंतराल के बाद रख दिया और फिर से उसको गर्म किया। यदि ये बार बार उसको
रीहीटिंग की डिसकंटिन्यूस हीटिंग करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो एंडोस्पोर्स होते हैं, जो माइक्रोब्स के जीवाणु के जो बीजाणु होते हैं जिन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं, वो मर जाते हैं और कम्प्लीटली वो निर्जमीकरण या फिर इनका स्टरलाइजेशन जीवाणुओं से माइक्रोब से मुक्त हो जाते हैं अपने लिक्विड, इसे टिंडलाइजेशन कहते हैं। अब टिंडलाइजेशन और कुछ नहीं, बस डिसकंटिन्यूस हीटिंग है जिसे टिंडलाइजेशन कहते हैं। तो टिंडलाइजेशन क्या होता है इसकी बात अपन ने कर ली, और ये प्रोसेस कैसे होता है, डिसकंटिन्यूस हीटिंग इसमें की जाती है। लेकिन इसकी जो सबसे ख़राब चीज़ थी वो ये थी कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, कि लंबा टाइम है इसका, तो बॉइलिंग के कई सेशन करने पड़ते हैं, कुछ में ऐसा है कि एक दिन छोड़ के अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। पर वो स्टरलाइजेशन का एक अच्छा जो है वो अच्छी प्रक्रिया है। इसके बाद इनका जो एक और इनकी खोज है जिसके लिए इनको जाना जाता है, वो है टिंडल इफ़ेक्ट। अब टिंडल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट है जो लाइट का स्कैटरिंग, लाइट का जो छितराव है, छितराव का प्रभाव है, उसे अपन कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। क्योंकि ये जो लाइट जब कहीं से भी पास होती है, रास्ते में यदि ये एयर में से पास हो रही है और रास्ते में कुछ भी कोई भी पार्टिकल नहीं है एयर में, एकदम क्लीन एयर है, तो ये सीधी पास हो जाएगी और अपन को दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन अगर रास्ते में पार्टिकल्स आ जाते हैं, मोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर ये एयर उनसे रास्ता मुड़ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरह से छितरा जाती है, वो सीधी एक लाइन में गुजरती नहीं है। और ये जो छितराव होता है, ये धुंधलापन अपन को दिखाई देता है, एक फैली हुई लाइट अपन को दिखाई देती है, और ये जो लाइट छितराती है वो एक कोण रूप में छितराती है, एक कोण का, शंकु का निर्माण हो जाता है, और इसे अपन जो टिंडल कोण कहते हैं। और ये जो लाइट का छितराव है, यही टिंडल ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, टिंडल के द्वारा खोज करने के कारण। और इसका यूज करते हैं अपन जो कोलोइडल्स हैं, जो विलियन हैं, कोलोइड विलियन, उनको अलग करने के लिए, जो एक तो प्योर सॉल्यूशन होते हैं और एक कोलोइड्स होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए टिंडल इफ़ेक्ट का यूज किया जाता है। टिंडल इफ़ेक्ट को अपन देख सकते हैं जैसे कि फोग में अपन को धुंधला प्रकाश, बहुत फैली हुई लाइट दिखाई देती है। यदि कोई गाड़ी आ रही होती है, अपन खड़े होते हैं, और यदि कोहरा छाया हुआ है, तो बहुत फैला हुआ प्रकाश अपन को उसकी लाइटों का दिखाई देगा। एग्जैक्टली अपन को गाड़ी और कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो लाइट होगी, उसकी जो लाइटें होंगी गाड़ी की, उनसे वो एक बहुत बड़ा धुंधला दूर तक फैली हुई लाइट अपन को दिखाई देती है। इस तरह से इन्होंने ये टिंडल इफ़ेक्ट है इसकी खोज की थी। और टिंडल कोन की अपन बात कर चुके हैं कि टिंडल कोन क्या होता है। अगर अपन एक डायग्राम से देखें टिंडल इफ़ेक्ट को, तो जो टिंडल इफ़ेक्ट है वो मेनली सॉल्यूशन और कोलोइड सस्पेंशन जो हैं उनको अलग अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। यदि सॉल्यूशन प्योर है तो जो लाइट होती है वो सीधी गुजर जाती है और अपन को दिखाई नहीं देती। उस प्योर, यदि सॉल्यूशन है, प्योर पानी है, तो उसमें लाइट गुजरती है तो अपन को दिखाई नहीं देती है। टॉर्च अगर मारते हैं अपन कांच के गिलास में डाल करके, यदि उसमें दूध डाल लिया अपन ने, कोलोइड है, दूध डाल दिया, उसमें पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, तो उसमें से लाइट जब गुजरेगी तो वो छितरा जाएगी और वो अपन को दिखाई देगी। और यदि सस्पेंशन है तो फिर उसमें और ज़्यादा छितरा जाएगी। इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट है लाइट के छितराव का, स्कैटरिंग का, उसे अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसके एग्जांपल अगर अपन देखें तो कोलोइड जैसे कि मिल्क है, और फोग जो है, कोहरा जो आ जाता है, स्मोग जो है, इन सब में ये जो टिंडल इफ़ेक्ट है ये अपन को दिखाई देता है। अगर अपन एग्जांपल में देखें तो ये एक पानी का गिलास है, इसमें लाइट डाली जा रही है, ये टॉर्च है और ये टॉर्च से लाइट जा रही है, लेकिन अपन को लाइट दिखाई नहीं दे रही है, ये अगले सिरे से यहाँ से सीधा पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे अपन को ये लाइट दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सिंपल पानी है, इसमें किसी तरह के पार्टिकल्स नहीं। लेकिन अगर अपन यही बात दूध ग्लास में भर के फिर करें, तो ये जो लाइट यहाँ से गुजर रही है ये छितरा चुकी है,
क्योंकि ये और ये लाइट अपन को गुजरती हुई इसमें से दिखाई दे रही है और ये बहुत दूर तक गुजर भी नहीं पाएगी, इसलिए ये अपन को रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। अब इसके जो वर्क है जॉन टिंडल का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो मेन इम्पोर्टेंस है कि ये जो एक तो इन्होंने टिंडलाइजेशन, जो स्टरलाइजेशन बताया इन्होंने टिंडलाइजेशन के द्वारा, तो ये फूड स्टोरेज में बहुत काम आता है, मेडिकल प्रोसीजर में ये काम आता है, काम लिया जाता है, और जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, जो एंडोस्पोर्स हैं, उनके बारे में पहले पता नहीं था, वो टिंडल की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि एंडोस्पोर्स होते हैं और उनको बचाया जा सकता है, जैसे कि फूड है उनको प्रिजर्व करके, फूड आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको स्टरलाइजेशन करने में जो टिंडलाइजेशन है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और दूसरा इसका जो उपयोग टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट का उपयोग जो कोलोइड है, मिक्सर है, जो भी सॉल्यूशन कोलोइड है कि नहीं है, कि सिंपल कोई भी एक लिक्विड है या फिर वो किसी चीज़ का कोलोइड बना हुआ है, मिक्सर है अलग अलग सॉल्यूशंस का या प्योर सॉल्यूशन है, इनको डिफरेंशिएट करने में भी इनका टिंडल इफेक्ट बहुत काम में आता है। और स्वतः जनन सिद्धांत, जो जर्म थ्योरी लुईस पाश्चर ने दी, उसके बाद इसको इन्होंने सपोर्ट किया, तो जर्म थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस है वो अपन पढ़ चुके हैं कि जर्म थ्योरी की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है और उसके बाद किस तरह से बीमारियों से बचा जा सका, क्योंकि कारण का पता चल गया कि ये बीमारियां हो किस कारण से रही हैं। इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म जैविकी है, उसमें फिजिक्स के ज्ञाता होते हुए भी जॉन टिंडल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है सूक्ष्म जैविकी में। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।